बिल्कुल। तो अनु, हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान ने बातचीत की अब्दुल्ला आजम से। बेहद तल्ख शब्दों में उन्होंने सरकार को घेरा है, कई आरोप भी लगाए हैं, पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं, और अब किस तरीके से चुनाव में वो आगे बढ़ते हैं उस पर लगातार नजर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, चुनावी मौसम आते ही नेताओं की गाड़ियों से कैश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर कानपुर से है। कानपुर में बसपा नेता शमशुद्दीन रायनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बिल्कुल, तो ये चुनावों से पहले ये एक अहम खबर मिली है, जहां पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान इस कैश की बरामदगी की है। पुलिस ने शमसुद्दीन की स्कॉर्पियो में 50 लाख रुपए का कैश बरामद किया है और अब आयकर विभाग और अन्य टीमें नेता से पूछताछ में जुटी हैं। और अब बात कर लेते हैं दारा सिंह चौहान की, जो अब साइकिल की सवारी करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज दारा सिंह चौहान, जो कि भाजपा के बागी हैं, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं। और कई ऐसे बागी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी अभी ज्वाइन भी की है, और दारा सिंह चौहान भी आज दोपहर 12:30 बजे सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दारा सिंह चौहान योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। और आपको यह भी हम बता दें कि दारा सिंह चौहान से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का हिस्सा हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई अन्य भाजपा के विधायक भी पार्टी छोड़ करके सपा में आ चुके हैं पहले ही, और आज का दिन चुना दारा सिंह चौहान ने, जब वो साइकिल की सवारी करेंगे। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इमरान मसूद को अब तक कहीं से टिकट नहीं मिला है, और इमरान को सपा से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दीपा, समाजवादी पार्टी से अब मिली इस बेरुखी से इमरान मसूद का कैंप हैरान और परेशान है। कहा जा रहा है कि अब इमरान मसूद का कैंप BSP से संपर्क में है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इमरान मसूद ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें ले नहीं रही। बिल्कुल अनु, दर्शकों को ये भी हम बता दें कि इमरान मसूद और उनके समर्थक विधायक मसूद अख्तर ने 12 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और ये कहा था कि उनका प्रेम समाजवादी पार्टी से है और वो वहां पर जाएंगे, लेकिन अब टिकट नहीं मिला, अब क्या होगा इस पर नजर है। बिल्कुल, और मसूद अख्तर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों में से किसी को भी टिकट नहीं मिला है। ऐसे में इनके समर्थक लाजमी है कि वे हैरान परेशान रहेंगे ही, क्योंकि ये समय है जब पार्टियों में आप जुड़ते हैं।